हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम फोर्स ऑन डाइपोल डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। हमने पहले पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि डाइपोल जब भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने उस सिचुएशन में दो केसेस कंसीडर किए थे। पहला केस मैंने ये माना था कि व्हेन डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैंने ये माना था कि फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। उस केस में हमने ये देखा था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल क्या होता है, जीरो हो जाता है। फिर बाद में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क क्या होता है, उसको कॉपल भी बोलते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये देखा था कि टॉर्क ऑन एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बाद में हमने देखा था कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए अपने को कितना वर्क करना पड़ता है, तो उसको भी हमने देखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज़ इक्वल टू पी ई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पी ई इंटू कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, वेयर आई इज़ द इनिशियल एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा एफ इज़ नथिंग बट द फाइनल एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने ये देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, तो हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो दो तरह का होगा। यहाँ जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगता है उसको पहले हम चेक करेंगे। यदि नेट फोर्स और नेट टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम बोलें कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम जो होगा वो दो तरह का होगा, एक को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दूसरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, कौन सा पोजीशन जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और कौन सा जो पोजीशन होगा वो अनस्टेबल होगा, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल के साथ यदि एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगा तो उस कॉन्फ़िगरेशन में, उस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और फिर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने ये देखा था कि निगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर। आज जो अगला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आप बुक में देखोगे तो डायरेक्ट भी रिजल्ट दिया हुआ है और आपको याद करना पड़ता है। तो मैं वो चीज़ को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम दो तरह से डील करेंगे, दो मेथड्स है जिससे हम क्या करेंगे इसको डील करेंगे, एक बाय यूजिंग एनर्जी मेथड एंड सेकंड जो है वो जनरल जो मेथड हम पढ़ते हैं कि फोर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो मेथड है उसको हम जनरल जो मेथड है उसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो या कोई एक चेंज हो। तो यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इससे देख करके अपने को मालूम चलता है कि क्राउडेड यदि फील्ड लाइंस है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और और जो जहाँ डिस्टेंट या फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो मैंने लिखा है E प्लस और E माइनस। देखो ये डाइपोल है, डाइपोल में जस्ट मैंने बताया कि ये डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज के पोजीशन पे जो फील्ड है उसको मैंने E माइनस कंसीडर किया है और प्लस क्यू चार्ज के पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने E प्लस लिखा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, E प्लस।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्या है, इस रीजन में क्या है, कम है। तो ये आपको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव चार्ज के पोजिशन पे क्या है, ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जनरल जब हम फोर्स लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब भी हम फोर्स लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन इट्स पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स ऑन इट्स निगेटिव चार्ज। आई मीन इसके पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज पे हम फोर्स लिख करके सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब यहाँ आपको भी मालूम है कि यहाँ मैं यदि बोलूँ कि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करो, रिलीज कर दो, छोड़ दो, तो किधर मूव करेगा, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरह क्या होता है, मूव करता है, प्रोवाइडेड फील्ड लाइन्स क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि देखो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ मैं आपसे पूछूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव किधर करेगा, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द क्या होगा, टुवर्ड्स द क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड, इधर क्या होगा, मूव करेगा। आई मीन इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि देखो एफ माइनस, आई मीन फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज क्या होगा, क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ निगेटिव चार्ज, एफ प्लस जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्यू ई, ठीक है, प्लस यहाँ बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है क्या है, एफ ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एफ ई प्लस के मैग्नीट्यूड से क्या है, बड़ा है। समझ में आई बात, क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब यदि देखो इसको मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ Q, ठीक है, इनटू देखो E प्लस माइनस E माइनस, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, Q इनटू हम ये लिख सकते हैं डेल्टा E, आप चाहो तो वेक्टर भी लिख सकते हो, लेकिन हमने वेक्टर नहीं लिखा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, तो हमने ऐसे लिखा। अभी यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस, माइनस समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, एक कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी क्या होगा, हमने ये माइनस कंसिडर कर लिया, हमने क्या लिखा, ठीक है, ई प्लस माइनस। अब हम ये भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आप यदि माइनस लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस टर्म, यदि हमने ये लिखा तो माइनस हम यदि लिख दें, ऐसे ही रहने दो, माइनस मत लिखो ऐसे ही, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस क्या हो गया, इनिशियल आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्यू डेल्टा ई, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, डेल्टा आर लिख रहा हूँ, समझ में आया क्या, क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा आर भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ डेल्टा आर का मतलब क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्या है, ये आपको ध्यान देना है। देखो आर प्लस का मतलब क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ, देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज, और आर माइनस का मतलब क्या होगा, पोजिशन, ठीक है, वेक्टर ऑफ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो डेल्टा आर मैं यदि मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखेंगे, देखो आर प्लस माइनस क्या होगा, आर माइनस, समझ में आई बात। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू सेपरेशन ऑफ चार्ज हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑन डाइपोल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है, यही है ना, देखो ये दिस इज नथिंग बट द डेल्टा आर, सेपरेशन बिटवीन द क्या हो गया, चार्ज। तो इसको हम डाइपोल लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इंटू डेल्टा ई अपॉन क्या है, डेल्टा आर। अब यदि ये जनरल हमने क्या किया, रिजल्ट लिख डाला, समझ में आया ना, क्या लिखा, जनरल। अब मैं यदि ये मान लूँ, ठीक है,
क्या मानूं कि इफ डेल्टा आर टेंस टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इफ डेल्टा आर टेंस टू क्या हो जाए, जीरो, देन हम लिख सकते हैं, देखो फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पी इंटू डी ई अपॉन क्या लिखेंगे, डी आर। यही क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मॉड लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है कि हमने क्या किया है, ई को डाइपोल जिधर है उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, डी अपॉन क्या होता है, इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, आई मीन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डाइपोल, ये ध्यान में रखना है, समझ में आया ना, तो जब भी आपको क्या करना है, फोर्स लिखना होगा, तो एक मेथड है डाइपोल इंटू डी अपॉन डी आर, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ई कहाँ लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, समझ में आया क्या, कहाँ लिखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ लिखना है डाइपोल के, क्या कहाँ लिखना है, सेंटर पे लिखना है, यहाँ से भी देख सकते हो कि इफ, देखो ध्यान से, इफ अभी हम नंबर, इफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, कांस्टेंट, देन देखो तो डी ई अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन डाइपोल विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी क्या करोगे, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, उसको भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम दोनों मेथड से हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। मेथड जो टू है उसको मैं बता देता हूँ, तो मेथड टू क्या है कि देयर इज, क्या होगा, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, याद रखना है अलवेज ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है, और दिस इज क्या होगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं कि एफ जो होता है, एफ फोर्स ऑन डाइपोल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल टू माइनस डी यू, सिंपल मैं लिख देता हूँ, डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी आर, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखो, और उसके बाद क्या करोगे, उसको आर के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, तो जब आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि इस मेथड से क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ फोर्स इज, देखो कैलकुलेट, इफ एफ ऑन डाइपोल इज निगेटिव देन
देन फोर्स विल बी क्या होगा, विल बी एट्रैक्टिव इन नेचर। इस मेथड से हम डायरेक्शन में फिगर आउट कर सकते हैं एट्रैक्टिव इन क्या होगा नेचर। समझ में आया? यदि फोर्स क्या होगा निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यदि फोर्स एनर्जी मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स यदि एनर्जी मेथड को कैलकुलेट करने के बाद यदि पॉजिटिव आ रहा है दिस मीन्स दैट कि द नेचर ऑफ फोर्स विल भी क्या होगा रिपल्सिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे एनर्जी बाई यूजिंग एनर्जी। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये दोनों मेथड हम क्या करेंगे यूज कर सकते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा कि यहाँ माइनस साइन यदि आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा एट्रैक्टिव नेचर का होगा। प्लस साइन आएगा ये इंडिकेट करेगा जो फोर्स क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इसको भी तुम नोट कर लो। ठीक है, क्या करना है इसको भी नोट कर लेना है। तो इफ यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इफ एफ ऑन डाइपोल इज क्या होगा पॉजिटिव देन फोर्स विल बी क्या होगा विल बी रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, दो पॉइंट याद। तो दोनों मेथड से तुम क्या कर सकते हो फोर्स को लिख सकते। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि यदि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए इस मेथड को आप यूज करके डाइपोल पे फोर्स नहीं लिख सकते हो। जब क्या होगा पी और ई के बीच एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए देन वी कांट यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट। तो जनरल मेथड के पास हम जाएंगे। मैंने क्या बताया था कि फोर्स इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन डी आर। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लो बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिंपल ये क्या है चार्ज रिंग है। ठीक है, क्या है चार्ज रिंग है। इसके एक्सिस पे देखो ध्यान से, इसके एक्सिस पे क्या होगा इस पे क्या है पहले देख लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे यहां क्या रखा गया है, यहां देखो एक डाइपोल रखा गया है जिसका डायरेक्शन यहां से देखो x इज इक्वल टू, चलो मैं रख देता हूं रूट थ्री आर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है रूट थ्री आर। यही सेंटर ऑफ डाइपोल है c। ठीक है, तो आपको समझ में आया इस पे चार्ज क्या है q है, इसका रेडियस क्या है आर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन क्या होगा चार्ज रिंग। रिंग क्या है देखो यहाँ रेस्ट में है, याद रखना इसको फिक्स रखा गया है फिक्स्ड। डाइपोल भी क्या है फिक्स्ड है ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है देखो ध्यान से, फोर्स ऑन क्या है आपको क्या करना है फाइंड फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, क्या होगा ये कैलकुलेट करना है और टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा इसको भी कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ये भी लिख देता हूँ। यू डाइपोल क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आया ना? अब मुझे क्या करना है देखो ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या है पहले अब मुझे क्या करना है मेथड वन मैं यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ मेथड वन, एफ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ऑन डाइपोल विल बी इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इंटू डी ई अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स। यहाँ एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। एक्स किधर लेना है डाइपोल के डायरेक्शन में लेना है। देखो ध्यान से d का मतलब क्या होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डाइपोल डिवाइडेड बाई चेंज इन पोजिशन या सिंपल क्या है दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या हम इसको बोलेंगे dx को क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या लिखोगे देखो तो e एज x क्या लिखोगे बताना कि q x अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। समझ में आई बात? ठीक है, मुझे क्या करना है dx अपॉन क्या करना है d अपॉन dx कैलकुलेट करना है। मेथड वन मैं लिख रहा हूँ तो
तो देखो DE अपॉन DX लिखोगे तो एक कांस्टेंट है के क्यू, डी ऑफ क्या होगा X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है DX। तो के क्यू समझ में आया क्या होगा, के क्यू यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट मैं लिखूँ चलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यूब, यही होगा ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये मैंने जनरल x पे लिख दिया, तुम x का वैल्यू रख देना वहाँ आंसर आ जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लिख दें कि d अपॉन dx, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए तुमको, थोड़ा नहीं आना ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस, ये आप भी देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है सही मैंने लिखा ना, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, शायद हमने गलत लिख दी, x ऑलरेडी और फिर 2x आएगा एक्स स्क्वायर होगा ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, थोड़ा लेंदी मेथड से मैं बता रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है समझ में आया। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्यू ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस थ्री सॉरी माइनस 2x स्क्वायर अपॉन कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है समझ में आया ना कितना हुआ 3/2 माइनस, ये नीचे मैंने लाया तो 3/2 नहीं होगा 3 होगा ठीक है। तो ये देखो ये कितना आया k q, ठीक है घबराना नहीं तुम लोग, थोड़ा मैंने लेंदी किया है, ये कितना हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 5/2। तुमको अब यहाँ x का वैल्यू रख दो तब आपको आंसर मिलेगा, x क्या है रूट थ्री आर है। मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना है, देखो जिस पॉइंट पे फील्ड लिखना है पहले उस डाइपोल के सेंटर पे फील्ड लिख करके उसको डाइपोल के डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और फिर डाइपोल से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है। तो देखो यहाँ से अब x इक्वल टू तुम r कैलकुलेट कर लो x इक्वल टू r पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो x इक्वल टू रूट थ्री आर रूट ठीक है। ये कितना हो जाएगा k q ठीक है देखो आर स्क्वायर माइनस 6 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर के पावर 5/2 ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा डी ई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या हुआ रूट 3 आर इस इक्वल टू माइनस के क्यू 5 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 32 आर के पावर क्या लिख सकते हैं 5। तो डी ई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट 3 आर इस इक्वल टू क्या होगा माइनस के क्यू 5 के क्यू अपॉन 32 आर क्यू ठीक है समझ में आया। तो अब फोर्स लिखना होगा तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड लिख लो ठीक है क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड लिखोगे तो एफ ऑन डाइपोल
कितना होगा, तो पी इंटू डी अपॉन क्या लिखना है, डी एक्स का मॉड, यही होगा ना। ठीक है, वैल्यू रख दो वहाँ, आंसर आ जाएगा, वैल्यू तो मालूम ही है। अब फोर्स किधर होगा, टुवर्ड द क्या होगा, सेंटर ऑफ द रिंग लगेगा। ठीक है, तो एफ ऑन डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, डी ई, डी अपॉन देखो तो क्या कितना होगा, फाइव माई फाइव के क्यू अपॉन 32 आर एस टू क्यू। ठीक है, तो डी अपॉन हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। और वो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड द क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ रिंग, डाइपोल नहीं रिंग। मेथड टू क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू देखो तो U इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इस केस में P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, पर पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी ई, हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो है ये पोजीशन जो है वो डाइपोल का क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, सॉरी अनस्टेबल नहीं, गलत बोल दिया यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसलिए कौन सा पोजीशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ई हमने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखना है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ई कहाँ लिखना है, डाइपोल के सेंटर पे लिखना है। ठीक है, अब अगेन यहाँ से देखो, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, तो एफ ऑन डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन क्या लिखेंगे, डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो पी डी अपॉन क्या लिखेंगे, देखो डी एक्स, वही आ गया फाइनल रिजल्ट, वही आया। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ से भी तुम ट्राई कर लेना मेथड टू। उसके बाद टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क क्या होगा, डाइपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, क्या होगा डाइपोल पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन जीरो, एंड ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखना नोट में, यहाँ याद लिख लेना है कि क्या होगा नोट में, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन, देखो ध्यान से, व्हेन व्हेन डाइपोल डाइपोल इज प्लेस्ड प्लेस्ड ऑन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क ऑन इट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लो कि क्या है, अभी ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, देखो ये डाइपोल है, फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो कि ये पॉइंट क्या है, P है, सॉरी ये O पॉइंट है। ठीक है, ये डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल
और ऑफ कोर्स इस पे देखो यहाँ ये सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल ठीक है। और एक किस फील्ड में रखा गया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई दिया हुआ है। इस केस में यदि मैं बोलूं फोर्स, मान लो कि फोर्स डाइपोल पे किधर लग रहा होगा, ऐसे ये मैंने लिखा कि एफ, नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स देखो ध्यान से, नेट फोर्स ऑन डाइपोल ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ, ये लिख लेना तुम लोग, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। आर समझ में आया ना, इस ये आर हो गया। आर क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ डाइपोल सी, दिस इज नथिंग बट दिस आर क्रॉस एफ प्लस क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ए। समझ में आई बात, ये जनरल रिजल्ट है, दिस इज नथिंग बट द टॉर्क। अब इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुम याद रखना कभी कभी ये पूछा जा सकता है ठीक है। देखो यहाँ से टॉर्क, अरे यार टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट ओ ठीक है, ये मैंने बताया नेट फोर्स, दिस इज क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सी क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, ये तो तुमको मालूम। यहाँ भी देखो इफ नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो टॉर्क अबाउट क्या होगा सी, और क्या हो जाएगा ऑलरेडी हम देखते हैं, एफ जीरो कर दोगे तो टॉर्क अबाउट ओ विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई, और पी क्रॉस ई सेंटर ऑफ डाइपोल के अबाउट भी टॉर्क होता है ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क ऑन डाइपोल विल डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। लेकिन यदि उसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में उस पर जो टॉर्क लगता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। आई मीन किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखो, अलवेज जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसा कि मैंने इसके पिछले क्लास में एक सम भी दिया था, उसको तुम लोग ट्राई करना ठीक है। समझ में आया, तो हमेशा आप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हर रिजल्ट क्या करना है आपको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्या है कि टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस ई। आर क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ डाइपोल फ्रॉम द गिवन पॉइंट ओ। एफ क्या है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। और पी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। समझ में आया ना, सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो आपको, आप लोग देखना। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ डाइपोल। ग्रेविटेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मास के द्वारा, देखो तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला हेडिंग लिख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। किसी भी डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पे क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे ठीक है। तो पहले देख लो, ध्यान देना कि मान लो कि यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या है प्लस की, जैसे ग्रेविटेशन में हम पढ़े थे कि यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका क्या होगा मास एम है, तो आर डिस्टेंस पे वी हमने क्या लिखा था, वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने लिखा था माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, यही लिखा था ना, याद आया ठीक है। उसी तरह यदि कोई यहाँ चार्ज है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके द्वारा मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है ठीक है।
ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल लिखना है। तो ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस से, तो वी एट पी आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर, ये प्लस होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? यदि तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, देख रहे हो ना ये। ठीक है, यदि मैं बोलूं यहां देखो कि एक चार्ज क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी एक पॉइंट पी है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि मुझे लिखना है यहाँ देखो तो वी पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर। याद रखना है कि जब हम ग्रेविटेशन, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज को क्या करते हैं, साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसको मोर डिटेल में जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जनरल केस में हम नहीं लिख सकते हैं इसके बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कांट बी एबल टू राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, प्लस के क्यू अपॉन क्या होगा, आर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी कितना होगा, माइनस के क्यू आर। आई मीन इसका मतलब है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है किसी भी पॉइंट पे, तो चार्ज को आपको क्या करना है, साइन के साथ कंसीडर करना है। वाइल राइटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज वी ऑलवेज कंसीडर चार्ज विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, समझ में आया, बस इसकी जरूरत है। अब किसी पॉइंट पे देखो ध्यान से, यदि मुझे लिखना है, समझ में आया ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब मान लो कि देखो ध्यान से क्या करना है, कि यहाँ क्या है, एन नंबर ऑफ चार्ज है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, और पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लिख करके हम सिंपल क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वी पी इक्वल टू क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर डैश डैश क्या होगा, वी एन, यही है ना। नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विल बी क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस एट पॉइंट पी, बस इसकी जरूरत है। समझ में आया ना, ये समझ में आया, ठीक है, किसकी जरूरत है, इस रिजल्ट की जरूरत है। तो अब हम आते हैं, बस इतना मुझे बताना था, उसके बाद हम फील्ड का फॉर्मूला हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डाइपोल में क्या होता है, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ क्या है प्लस क्यू चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस, ठीक है, ऑफ डाइपोल। ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट पी होगा तो उसको एंड ऑन पोजीशन, टैन ए पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कुछ भी बोलते हैं, बाद में बताता हूँ। दिस इज सेंटर, ठीक है, और यहाँ कोई पूछे कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, यही है, इनके बीच सेपरेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, टू ए दिया हुआ है। समझ में आई बात, दिस इज सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, जनरल पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ए वाला एंगल कितना है देखो ध्यान से, थीटा। ठीक है, दिस इज आर, क्या है पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डाइपोल, और थीटा इज द क्या है एंगल बिटवीन, क्या है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर। अब
मुझे क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल लिखना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आया क्या? अरे हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लिख करके सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर। यहाँ आपको मालूम चल जाएगा कि यदि दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का हो तो कब उसको हम डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब मुझे क्या लिखना है, देखो वी एट पी यदि मुझे लिखना है, क्या लिखना है, वी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस प्लस वी माइनस, समझ में आई बात कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही क्या है, आर वेक्टर, आई मीन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ, ठीक है। अब यार वी प्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी अपने को मालूम है, वी प्लस कितना होगा बताओ, वी प्लस, वी प्लस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हो, देखो के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर प्लस, सही है, और वी माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस के क्यू अपॉन क्या होगा, आर माइनस, यही होगा ना, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं तो उसको साइन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ देखो अब मैं लिख सकता हूँ वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वन आर प्लस माइनस क्या लिखेंगे, आर माइनस, सही है। अब आर प्लस और आर माइनस अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 2a, तो ए वाला जो डिस्टेंस, आई मीन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा ए, और ये भी कितना होगा ए, आर दिया हुआ है, तो आई थिंक को साइन फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, तो कोसाइन फार्मूला यदि हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, नाउ क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ, देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस स्क्वायर अपॉन 2ar, सही है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2ar कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, बाद में मैं फिर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से देखो मैं ये लिख सकता हूँ, आर माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, सही है, नहीं प्लस हो जाएगा, समझ में आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, अब आर माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा के पावर 1/2, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा के पावर माइनस, सही है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, आर कॉमन लूँगा, देखो ध्यान से, उसके बाद मैं सिमिलरली लिख दूँगा, यहाँ से लिख सकते हो 1/r कॉमन ले सकते हो, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 1 + a² + 2ar, ठीक है, cos थीटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा एक स्टेप और ले जा रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/r माइनस इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 + a² r² + 2a cos थीटा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, r के पावर माइनस। अब यहाँ हम एजम्पशन यूज करेंगे, देखो ध्यान से, इफ़ r इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा a,
देन क्या हो जाएगा, देन ए अपॉन आर द होल स्क्वायर नियरली विल भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। देखो ए वन अपॉन वन आर माइनस इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू वन प्लस, देखो हमने क्या लिखा, टू ए कॉस थीटा अपॉन आर के पावर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ई भी क्या होगा, देखो ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, वन। तो हम लिख सकते हैं वन आर माइनस इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन आर इंटू क्या लिखेंगे, वन माइनस ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर। समझ में आई बात, क्या हो गया, ये समझ में आया? देखो हमने कहाँ तक हम पहुँच गए, ये बाइनोमियल एक्सपांसन मैंने लिखा है यहाँ बेटा। देखो 1 प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, तो वही मैंने कॉन्सेप्ट भेजिए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली 1 अपॉन देखो आर प्लस इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या? अब वैल्यू लिख लिए, लेकिन देखना यहाँ ये तब हम लिखते हैं जब आर क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, ये होगा। यही सिचुएशन है, तभी हम दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का कुछ डिस्टेंस पे हम रख दें, और वो डिस्टेंस यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम आसानी से इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फार्मूला, आई मीन अब हम देखो पोटेंशियल लिखेंगे बेटा, ये निकल गया, ये प्रॉब्लम ही है, समझ में आया? अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बता सकते हो? अब नाउ हम लिखेंगे, देखो वी पी इज इक्वल टू क्या था, के क्यू इंटू क्या था, वन अपॉन आर प्लस माइनस वन अपॉन आर माइनस, यही था। अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ, देखो तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्या होगा, के क्यू इंटू, देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमने कहीं कुछ झोल किया है क्या, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर आना चाहिए, हाँ सही है आर स्क्वायर आएगा, ठीक है आर आर है, देखो यहाँ मुझे लग रहा था कि हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, आर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो के ठीक है अपॉन आर स्क्वायर इंटू देखो टू ए क्यू कॉस थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू ए क्यू चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता है। तो वी पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं के अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा, सही है, समझ में आया क्या? अब हम थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के ठीक है इंटू पी डॉट आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर क्यू, सही लिखा क्या, सही लिखा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला याद रख सकते हो, और ये दोनों याद रखना कि के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ में आया, दोनों रिजल्ट क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया और इसको क्या किया, स्केलर फॉर्म। ये फार्मूला तभी हम यूज करेंगे, ये याद रखना है, कंडीशन क्या है इसका, ये तभी यूज कर सकते हैं जब आर क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, ये। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पॉइंट पी, ठीक है,
क्या होगा एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल। रिजल्ट याद करना है, केपी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तुमको ये मालूम है मोनोपोल आई मीन एक सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, अभी लिखा था। डाइपोल होगा आई मीन दो चार्ज होगा तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि क्वाड्रोपोल हो तो क्या हो जाएगा आर एस टू क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ऑक्टोपोल हो तो आर एस टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो ये तुमको क्या करना है ध्यान में रखना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल। थीटा क्या है, थीटा क्या है ये तुमको याद रखना है। एंगल एंगल बिटवीन क्या है आर एंड क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है आर आपको मालूम ही है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी कॉस थीटा ठीक है इन अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। अब पोटेंशियल देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। देखो ध्यान से नोट में दो तीन पॉइंट याद रखना कि यही क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है देखो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये पॉइंट पी है, यहाँ मैंने मान लिया कि इसका जो आर दिया हुआ है ठीक है आर जो है मच मच ग्रेटर देन क्या ये है, ये क्या है समझ में आया ना। ठीक है देखो इसको हम क्या बोलते हैं इस पोजीशन को क्या बोलते हैं पी इज कॉल्ड। इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे टेन टेन बी पोजीशन और इक्विटोरियल इक्विटोरियल पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन ये नाम दिया गया है। ठीक है अब देखो यही क्या है दिस इज सेंटर ए डाइपोल। यहाँ एंगल कितना हो गया थीटा, तो एंगल थीटा थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो पोटेंशियल इधर मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ कोई माइनस क्यू चार्ज है और ये यहाँ क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है ऐसे ही बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी हम बोल सकते हैं। क्या है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा तो देखो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो इसके द्वारा जितना पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा इसके द्वारा होगा तो क्या लिखें के पी कॉस 90 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो अलवेज क्या होगा जीरो होगा। आई मीन इफ़ यू वॉन्ट टू मूव एनी चार्ज अलॉन्ग द क्या होगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द डाइपोल तो आपको कुछ काम करने की जरूरत होगी क्या। वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार हर जगह तो पोटेंशियल क्या है जीरो है, क्या है पोटेंशियल क्या है जीरो है। इसका मतलब क्या है कि आप परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे चार्ज को किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह आप मूव कराओगे तो उसके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स वाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो ऐसे नहीं है, मान लो कि दो चार्ज यहाँ रखा हुआ है यहाँ तो एक प्लेन होगा समझ में आना, ये प्लेन इस प्लेन पे कहीं भी क्या करोगे कहीं भी आप पोटेंशियल लिखोगे तो क्या होगा अलविज क्या हो जाएगा पोटेंशियल जो होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सरफेस बोल सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन कितना होता है यार देखो तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज इक्वल टू क्या होता है चार्ज इंटू क्या होगा डेल्टा वी और यहाँ तो डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन क्या होगा जीरो। ठीक है समझ में आया, याद रखना है ये फार्मूला हम तभी यूज करें, ये मत यूज करना कि सेंटर पे पोटेंशियल लिखना हो तो तुम ये फार्मूला यूज करना। इवन दो आंसर सही है आंसर इससे जीरो आएगा लेकिन हर केस में वैलिड नहीं होगा। तभी हम रिजल्ट यूज करेंगे कि आर जब मच मच क्या हो ग्रेटर देन क्या होगी, अदरवाइज हम क्या करेंगे जितने भी चार्जेज हैं सबके द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख करके और उसको हम क्या करते हैं स्केलर की तरह ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है तो एक पॉइंट ये था।
दूसरा क्या है, समझ में आया कि टेन ए पोजिशन और डाइपोल के एक्सिस पे, दूसरा देखो यही क्या है, डाइपोल है, ठीक है, यहाँ कोई भी ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन ए पोजिशन, दिस इज कॉल्ड आइदर एक्सियल पोजिशन, ठीक है, और टेन ए पोजिशन, और हम इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजिशन, ठीक है। तो यही क्या है, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है, यही दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, और ये सेपरेशन कितना है बेटा, टू ए। अगेन आपको पी पॉइंट पे सेंटर से, देखो हमने आर कहाँ से कंसीडर किया है बेटा, सेंटर से, ये आर अगेन क्या है, मच मच ग्रेटर देन क्या है। अब मच मच ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, आर यदि क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा टेन ए, तो हम मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस है। तो देखो, तो यहाँ पी का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है, ये पॉइंट पी है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। तो वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर एस स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अलवेज इधर कहीं भी लिखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, होना चाहिए, देखो, क्योंकि इसके द्वारा इधर कहीं भी, इसके द्वारा ज़्यादा पोटेंशियल होगा और इसके द्वारा क्या होगा, कम होगा, तो अलवेज पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि ये डाइपोल ऐसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और यही इसका एक्सिस है, इसके किसी पॉइंट पी पे आप क्या करो, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज सेंटर, यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या करो आप, पोटेंशियल लिखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा, इस केस में देखो वी पी इक्वल टू, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और वी पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर एस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या करेंगे, यहाँ भी आर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मच मच ग्रेटर देन क्या है, तभी हम यूज करेंगे। ये सेकंड केस हो गया, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है उसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां यहां क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज सी, और ये मान लो मुझे क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट, आई मीन ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, टू है, मुझे इस पॉइंट पे क्या है, पी लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पोटेंशियल लिखना है, क्या लिखना है, वी पी आपको क्या करना है, लिखना है, समझ में आया क्या, क्या लिखना है, वी पी लिखना है, आई मीन ये बोल सकते हो कि सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ बेटा याद रखना है, वी पी इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का जो फार्मूला है यूज़ नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, हिंदी में मैंने लिख दिया, यूज नहीं करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, समझ में आया ना, ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे, इसके द्वारा लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे, समझ में आई बात। अब तो हमने पोटेंशियल लिख लिया, तो पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा क्या होगा, के पी, के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, देखो दिस इज एक्सिस,
यहाँ हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ हमने माइनस क्यू चार्ज, दिस इज सी, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल, इनके बीच सेपरेशन क्या है ये हम लिख लेते हैं, 2a, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, देखो ध्यान से, इधर होगा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अगेन एक कोई पॉइंट P मैं मान लेता हूँ, यहाँ अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, यही कोई पॉइंट P है, यहाँ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पोजीशन क्या है, आर है, ये एंगल कितना होगा, थीटा हमने मान लिया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, अब यहाँ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगेन क्या करेंगे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और फिर लिख करके हम क्या करेंगे, वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके, थीटा और आर के टर्म में हमको लिखना है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आर और थीटा के अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज, जैसे जैसे पॉइंट पी को चेंज करोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा पॉइंट पी, वो एंगुलर पोजीशन एज वेल एज क्या होगा, रेडियल पोजीशन, दोनों में क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, ई आर, आई मीन रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज क्या होगा, ई थीटा, ठीक है, पी पॉइंट पी, आई मीन क्या होगा, आर थीटा चेंज, फिक्स रखो आर को, क्या करो आप बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, यदि आर फिक्स रख दो थीटा को चेंज करो तभी भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी ऑलवेज फंक्शन ऑफ क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एज पोजिशन, पोजिशन क्या होगा, लीनियर पोजिशन एज वेल एज क्या होगा, एंगुलर पोजिशन, तो दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्या होगा, डाइपोल, अब हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो ई थीटा इन थीटा कैप, ठीक है, प्लस ई आर आर कैप, कैप आपको समझ में आता है ना, कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा, इंक्रीजिंग थीटा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, आर, बस यही रिजल्ट आपको क्या करना है याद, इसका मतलब क्या होगा कि इधर जो होगा, देखो ध्यान से, यही यदि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ई पी, और मैं मान लूँ कि अल्फा, देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिखता हूँ कि अल्फा इज द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट पी विथ रिस्पेक्ट टू ई आर, ठीक है, अल्फा क्या है, पोजिशन है, क्या है, एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, आर है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन अल्फा, देखो क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ई थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा भी यहाँ से मिल जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो मालूम है, ई पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ई थीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दो रिजल्ट जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी वी पी अपॉन क्या होगा, डी आर, ये हमने कहाँ पढ़ा है, याद आया, इस रिजल्ट को, इस टाइप के रिजल्ट को हमने कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टेट में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया था कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सिमिलर वे देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ई इक्वल टू क्या होगा, ई आर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर, अब पोटेंशियल अपने को मालूम है यार, वी पी कितना होता है, वी पी इक्वल टू अभी लिखा था के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, सही है क्या, अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो आराम से देखो यहाँ से तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, ई आर रेडियल कंपोनेंट कितना होगा, के पी कॉस थीटा माइनस डी ऑफ आर के पावर माइनस टू डी आर, ठीक है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं
ER इक्वल टू देखो 2KP cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा R की। समझ में आया क्या? तो रेडियल कंपोनेंट अपने को मालूम चल गया। अगेन यहाँ देखो, यहाँ हमने ये माना है कि R इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, ठीक है, तभी हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इन सिमिलर वे अब मुझे क्या लिखना है, देखो ध्यान से, दोनों याद रखना, ई थीटा लिखना है। ई थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस 1/r, ठीक है, डी वी पी अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट बेसिकली आगे आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जस्ट मैं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अब देखो ये कैसे आएगा, देखो ध्यान से, तुम बोलोगे सर ये आपने लिखा कैसे। देखो ये थीटा है, तो थोड़ा सा आप एंगल चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, अरे आर डी थीटा होगा क्या, आर डी थीटा। इसलिए और जनरली क्या होता है, तो यहाँ हम डी आर के जगह, ये डी आर के जगह हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिख देंगे तो आ जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/r इंटू के पी अपॉन आर स्क्वायर डी ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ई थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो के पी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब दोनों कंपोनेंट मालूम चल गया बेटा अपने को, ठीक है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ अब, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, देखो मैं कॉमन लेता हूँ के पी अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं होगा, गलत लिख रहा हूँ, आर क्यूब, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से टू कॉस थीटा थीटा कैप प्लस साइन थीटा आर कैप, ठीक है। ये जनरल रिजल्ट हुआ, किसी एंगल थीटा पे आपको फील्ड लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो हम आसानी से ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, अब मैग्नीट्यूड लिखना है यार, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अभी हमने लिखा था कि ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई थीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो के पी अपॉन आर क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं के पी अपॉन आर क्यूब इंटू क्या लिखेंगे 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया, जनरल किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आने, ये रिजल्ट तब हम यूज करेंगे जब आर इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा। अब टैन अल्फा भी लिखना है अपने को, तो देखो टैन अल्फा, अल्फा समझ में आया ना, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, ई थीटा अपॉन क्या लिखा था ई आर, ई थीटा कितना है बेटा, साइन थीटा अपॉन क्या है 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखो यहाँ से टैन अल्फा इक्वल टू क्या हुआ टैन थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है बेटा, ये याद कर जाना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा और डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस आर क्या होगा के पी अपॉन आर क्यू इंटू 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा क्या, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल कॉम्पोनेंट। तो ये दो हमने क्या किया, रिजल्ट लिख डाला। तो वैक्टर फॉर्म में यदि दिया हुआ हो तो ये रिजल्ट याद रखना है और जनरल ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से कुछ केसेस कंसीडर कर लेते हैं, जनरल केस नोट में अगेन लिख लेते हैं, देखो ध्यान से नोट में क्या लिखेंगे कि इफ इफ पॉइंट पी इज एट या लाइज एट टैन बी पोजीशन, ठीक है,
और एन इक्विटोरियल इक्विटोरियल पोजीशन और ब्रोड ऑन पोजीशन, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है बेटा, ठीक है, समझ में आया ना, राम श्याम घन श्याम है ना, तो तीन नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो ये ध्यान से, यही डाइपोल है, अब मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ, यही क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तो यहाँ क्या है, कोई भी पॉइंट पी है, आई मीन मान लो कि ये पॉइंट पी दिया, यहाँ आपसे कोई पूछे, ठीक है, क्या है कि फील्ड कैलकुलेट करो, ये फील्ड का डिस्टेंस क्या, आई मीन पॉइंट का डिस्टेंस क्या, आर है, आर इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, ठीक है, क्या है, मच मच ग्रेटर देन क्या है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ फील्ड के लिए देखो फार्मूला यही है अपने को, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है फार्मूला यही, यहाँ मान लो कि इधर मैंने प्लस माइनस क्यू चार्ज लिख दिया, उधर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो आपको भी मालूम है, देखो ध्यान से, यहाँ ऐसे भी सोचो फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ थीटा वैल्यू रख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री रखो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ में आया ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मैथ से भी हम आते हैं, तो ई एट पी, देखो ई एट पी, यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ई एट पी कितना हो जाएगा, देखो के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू, और उसमें वैल्यू रखो तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन 90 बाई टू, आई मीन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विद रेडियल डायरेक्शन। ऐसे भी आप देखोगे तो यहाँ देखना ध्यान से कि इक्विटोरियल पोजीशन पे कहीं भी आप फील्ड लिखोगे तो इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, तो नेट फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस केस में आपको ट्रिक के लिए भी याद रखना है कि टैन ए पोजीशन पे और इक्विटोरियल पोजीशन पे और सॉरी टैन बी पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन और ब्रोड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कहीं भी आप लिखोगे, देखो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो हम बोल सकते हैं कि ई पी विल बी क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी। अरे समझ में आया, पी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर है। तो ये अलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जो होगा वो क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब, समझ में आना, कितना होगा, के पी अपॉन क्या होगा, आर क्यूब। दूसरा इसमें जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं, दूसरा कि इफ, या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, समझ में आया, आई मीन डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, देखो ध्यान से, यहाँ तीन केस होगा, ये माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ भी मैं मान रहा हूँ कि आर इज मच मच क्या होगा, ग्रेटर देन है, एक पॉइंट ए हो जाएगा, और एक पॉइंट मैं इधर मान लेता हूँ जस्ट डायरेक्शन के लिए, एक पॉइंट क्या होगा, क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, यही सेंटर है, देखना सेंटर, ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, चलो यहाँ देखो, तुम बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बोल सकते हो कि ई पी, आई मीन पी पॉइंट पे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। इधर देखो, इसके द्वारा प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा,
अरे इधर होगा ना, रिपल्सिव होगा, ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा, इसके तरफ होगा, तो नेट जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टैन, देखो टैन ए पोजिशन, ठीक है, और एंड ऑन पोजिशन और एक्सियल पोजिशन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल पोजिशन बोलते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ बोल सकते हैं, एक पॉइंट पहले लिख लो, ठीक है, कि क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इन द, क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल आई मीन इस केस में क्या होगा, ई इज ऑलवेज पैरेलल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक, ये याद रखना है, दो केस। अब वैल्यू तो तुमको मालूम है, यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, चलो पी पॉइंट पे लिखना है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा, यही होगा ना यार, पी पे लिखना है तो जीरो डिग्री, क्यू पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। कितना टाइम हुआ कल्पेश, ठीक है, समझ में आया। तो थीटा, अब देखो तो ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो के पी अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 और 180, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब, आई मीन हम लिख सकते हैं, देखो ई एक्सिस मैं लिख देता हूँ सबसे अच्छा, क्या होगा, सॉरी 2 के पी, आई मीन डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं ये लिख सकता हूँ कि ई ऑन द एक्सिस अपॉन क्या होगा, ई ऑन इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज इक्वल टू क्या होगा, 2। अरे ट्वाइस हो जाएगा क्या, तो ये बेटा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, कोर्स ऑलरेडी मैंने बताया है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इस पर अब तुम और किसी भी पॉइंट पे तुमको फील्ड निकालना है, तो हमने जनरल रिजल्ट मैंने बता दिया, तुमको क्या करना है, इसको डील कर लेना है, तुमको फार्मूला में वैल्यू रखना है या वैल्यू में फार्मूला रखना है, और फिर तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये डाइपोल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे पॉसिबल, सभी पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ हम एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, इसको बताऊँगा नहीं, तुम ट्राई कर लेना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आई मीन फोर्स बिटवीन क्या होगा, डाइपोल, ठीक है। तो तुम यहाँ हर रिजल्ट को देखो, पहले क्या है, एक डाइपोल यहाँ है, देखो ये P1 है, ठीक है, दूसरा डाइपोल क्या है, ये P1 और ये क्या है, P2 है, इनके सेंटर देखो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, इनके सेंटर के बीच जो सेपरेशन है वो क्या है, R है। तुमको क्या करना है, फोर्स कितना होगा ये तुमको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी मेथड बता दिया हूँ, ठीक है। तो एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो तो फिगर वन हो गया, फोर्स लिखना है तुमको, ट्राई कर लेना, एक डाइपोल ये है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा डाइपोल क्या है, अगेन ए सी वन ए सी टू, चलो ए पी डाइपोल और ए पी टू, इनके बीच अगेन सेपरेशन क्या है, आर है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, ये फिगर बी मैंने लिख दिया, फोर्स तुमको बता देना है। तीसरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये छोटा जो एकदम स्मॉल डाइपोल है, ठीक है,
ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये C1, यहाँ क्या है C2, इनके बीच सेपरेशन क्या आ रहा है। तो यहाँ भी तुमको क्या करना है, हर केस में दोनों डाइपोल के बीच कितना फोर्स लगेगा वही तुमको कैलकुलेट करना है। यहाँ भी तुमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और तीसरा जो केस होगा, देखो जब दोनों डाइपोल क्या हो, ये P1 है और इधर क्या है, अगेन इसका सेंटर ये C2 है, इसका सेंटर क्या है C1 है, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हो आर दिया। रिजल्ट मैं नहीं लिखूंगा, डेरिवेशन बता दिया हूँ। तो ये फोर केसेस हैं, तुमको क्या करना है, डाइपोल्स लिखना है, टॉर्क लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो ये तीनों केस क्या क्या लिखना है, फोर्स बिटवीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये फिगर ए बी सी और फिगर क्या हो गया फाइन, क्या है फाइन, ये मैं लिख देता हूँ फोर्स बिटवीन डाइपोल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, टॉर्क या कपल टॉर्क बिटवीन डाइपोल्स, सी लिखना पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बिटवीन क्या होगा डाइपोल्स। समझ में आया क्या? तो ये होमवर्क है बेटा और ये इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं बोलूँगा कि रिजल्ट लिख करके याद कर जाओ, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। शायद जो मैंने बताया था कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसमें क्या करना है, एक डाइपोल के द्वारा दूसरे डाइपोल के सेंटर में फील्ड लिखना है और फिर DE/dr(P) लिख देना है जो मैंने बताया। तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं ऐसे 2 मिनट का है, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन मंडे से। ओके, थैंक यू।